की सबसे शापित कब्र का रहस्य, क्या आज भी इस कब्र का श्राप बना हुआ है? हजारों साल से दुनिया में इन पिरामिडों ने लोगों को अपनी तरफ खींचा है। इन्हें देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये पिरामिड जितने शानदार हैं, उतने ही रहस्य इनमें छुपे हुए हैं। इन पिरामिडों से कई कहानियां जुड़ी हैं, जितनी कहानियां उतने सवाल। हजारों साल पहले बने ये पिरामिड जो वक्त की मार झेल चुके हैं, पुराने 7 अजूबों में से बचने वाले सिर्फ यही पिरामिड हैं। इनमें दबे हैं कई फिरौन, कई राजा रानियां, बेशुमार खजाना और अनगिनत राज। इन पिरामिडों को देखने लोग पूरी दुनिया भर से मिस्र आते हैं। आखिर कैसे बनाए गए ये अजूबे? इन्हें क्यों बनाया गया? क्या ये सिर्फ राजाओं की कब्रें हैं या इससे ज्यादा राज इन विशालकाय इमारतों में दबे हैं? और इन सब में सबसे रहस्यमय है तूतनखामिन की कब्र, जिसके खुलते ही शुरू हो गया अजीब सी मौतों का सिलसिला। क्या राजा तूतनखामिन का श्राप लोगों की जान ले लेता है? करीब 3,500 साल पहले मिस्र के फेरो को यही दफनाया गया था। इस जगह को राजाओं की घाटी कहा जाता है। यहाँ दफन हर राजा के साथ थी बेशुमार दौलत, बेशकीमती तोहफे और वो सब कुछ जिसकी जरूरत एक राजा को अगली जिंदगी में पड़ती। ऐसी ही कब्र थी तूतनखामिन की कब्र। 18 साल से कम उम्र में उसकी मौत हो गई और सदियों तक किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था। करीब 3,000 साल बाद एडवर्ड कार्टर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कब्र को खोजा। 1922 में हुई इस खोज का नतीजा किसी को मालूम नहीं था। रेत के ढेर में कार्टर को सीढ़ियां नजर आई जो किसी छुपी हुई गुफा की तरफ जा रही थी, और उस पर थी एक शाही मुहर जिसका मतलब था ये मकबरा किसी राजा का था। कार्टर ने इस पूरी खोज का खर्च उठा रहे लॉर्ड कार्नावर्न को तुरंत टेलीग्राम भेजा कि वो जल्द आकर मकबरे की खोज को देखे। लेकिन तूतनखामिन के श्राप की शुरुआत हो गई थी। To send the telegram, having just found the tomb, his houseboy ran out carrying a bundle of yellow feathers, and he said, "Master, I heard a rustling, and when I went, the cobra was eating the canary." कार्टर को उम्मीद थी कि ये मैना उन्हें कई नई कब्र तक पहुंचा देगी, लेकिन वो हैरान थे कि अचानक वहां कोबरा आया कैसे। कोबरा मिस्र में शाही परिवार की निशानी मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने कार्टर को बताया कि ये अपशकुन है और बेहतर होगा कि वो सावधान हो जाए और मकबरे के अंदर ना जाए। लेकिन कार्टर ने लोगों को बेवकूफ समझा। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। ।1922 के दिसंबर में ही तूतनखामिन की कब्र का दूसरा दरवाजा भी मिल गया, जिसके बाद ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली थी जिसने कब्र, ममी और श्राप के कई किस्से दुनिया भर में मशहूर कर दिए।
कब्र के दूसरे दरवाजे को देखकर लगा कि हजारों साल पहले चोरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये दरवाजा टूटा नहीं था। जब कार्टर अपने साथियों के साथ कब्र तक पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या होगा। दरवाजा हल्का सा तोड़कर उन्होंने अंदर झांका। अंदर था बेशुमार खजाना। Would you have done that after 10 years of extraordinary struggle? Would I have done that? No, I would not have done that. And they did what you and I would have done. They went in. कार्टर ने जैसे ही जहरीली गैस पता लगने के लिए मोमबत्ती दीवार के अंदर की, वो बुझ गई। जब कार्टर और उनके साथियों ने देखा, वहां वो हर चीज थी जो एक शहंशाह की होती है। अगली दुनिया की तैयारी की हर चीज। लेकिन ठीक उसी वक्त रातों रात कर्णावर्ण, कार्टर और तूतनखामन लोगों की नजरों में आ चुके थे। कब्र से निकलने वाली एक एक चीज बेशकीमती थी, लेकिन अब वो सिलसिला शुरू होने वाला था जिसका लोगों को डर था। तूतनखामन की कब्र से जुड़ा रहस्य सामने आने वाला था। एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला था जो हजारों साल से बंद इस कब्र में ही दबा था, लेकिन अब वो सामने आने वाला था। इस कब्र को ढूंढने वालों को शोहरत और दौलत तो मिली, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसका कई लोगों को डर था। क्या मैना की मौत से कोई इशारा मिला था? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है एमडी, आज चना मसाले का कमाल। सीनियर अध्यापिका विद्या सावंत को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता, तो क्या विद्या सावंत सच में पढ़ाने में सक्षम नहीं? किसी हालात से कहीं मारी हुई नहीं लग रही, पर साथ ही साथ ये फाइटर्स भी नहीं लग रही। कितनी अच्छी बात आपने कही है कि इसमें कोई भी प्रीचिनेस डाली जाए। ये क्यों बोझ एकेडमिक्स का इतना डाल देते हैं अपने बच्चों पर? मुझे थोड़ा गुस्सा है। आपके पास लाइसेंस वाइसेंस है? ओह तेरी तो पहली पहली बार किसी ने ये प्रश्न पूछा। के बाद रहस्य में आपका स्वागत है। एडवर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र में एक ऐसी कब्र खोज निकाली जो हजारों साल से बंद थी। उस कब्र के खुलने से पहले कुछ अपशकुन नजर आने लगे, लेकिन फिर भी खोज जारी रखी गई। इस खोज के लिए पैसा देने वाले लॉर्ड कार्नवर्न के साथ वो होने वाला था जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। कार्नवर्न मिस्र में ही थे कि सोते हुए उन्हें गाल पर एक मच्छर ने काट लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक सुबह शेविंग करते वक्त उन्होंने ठीक उसी जगह खुद को काट लिया जहां मच्छर ने काटा था, और इसके बाद की घटनाओं ने पुराने श्राप की चर्चा को एक बार फिर तेज कर दिया। घाव ठीक ही नहीं हो पा रहा था, खून नहीं रुक रहा था। कुछ दिनों बाद कार्नवर्न को तेज बुखार चढ़ गया, छोटे से मच्छर का जहर पूरे बदन में फैल गया, तबीयत तेजी से खराब हो रही थी।
कार्नावन के परिवार और डॉक्टर को तुरंत बुलवाया गया। लेकिन सब बेकार, एक छोटे से मच्छर के काटने से कार्नावन की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का दावा है कि कार्नावन के मरते ही मिस्र की राजधानी कायरो में लाइट चली गई। ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर इंग्लैंड में कार्नावन के घर पर उनका कुत्ता अचानक चिल्लाया और मर गया। ये सब एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही साथ हुआ। पूरी दुनिया में उस श्राप की चर्चा शुरू हो गई जो तूतनखामेन की नींद टूटने से शुरू हो गया था। लोगों का दावा था कि कब्र में लिखा था, जो भी इसके अंदर जाएगा वो मारा जाएगा। किसी ने दावा किया कि कब्र में लिखा था तूतनखामेन को परेशान करने वाले की मौत पंखों पर सवार होकर आएगी, और वो जानलेवा मच्छर भी उड़कर ही आया था। एक और हैरान करने वाली बात ये थी कि जांच करने वाले तूतनखामेन की मम्मी के गाल पर ठीक वही एक कटे का निशान था जहां कार्नावन को मच्छर ने काटा था। क्या ये महज एक संयोग था? खुदाई करने वाले कार्टर ने श्राप की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर काम पर लग गए। दूसरी तरफ कब्र की खबर सुनकर पूरी दुनिया से लोग इस अनोखे राजा का खजाना देखने आने लगे, और इन्हीं में थे रेल रोड बनाने वाले बेशुमार दौलतमंद जॉर्ज जे गोल्ड। गोल्ड ने तूतनखामेन की आखिरी आरामगाह देखने के लिए मोटी रकम चुकाई, लेकिन उससे बड़ी कीमत वो बाद में चुकाने वाले थे। उसी रात गोल्ड को तेज बुखार हो गया और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। तूतनखामेन से जुड़ी ये दूसरी इंसानी और कुल मिलाकर चौथी मौत थी। ऐसा लग रहा था तूतनखामेन का श्राप अपना असर दिखा रहा है और ये होने वाली आखिरी मौत नहीं थी। कब्र से खजाना निकालने वाले आर्थर मेस्को कोमा में चले गए और वो थोड़े ही दिन बाद निमोनिया से मर गए। तूतनखामेन की मम्मी का मुआयना करने वाले रेडियोलॉजिस्ट अचानक गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। इस मौत की वजह पता नहीं चल पाई। कब्र खोलने में हिस्सा लेने वाले आर्थर कैनेडर की मौत निमोनिया से हो गई। कार्नावन की पत्नी की भी किसी कीड़े के काटने की वजह से मौत हो गई। उनके सौतेले भाई की मौत भी खून में जहर होने से हो गई। कार्नावन के सेक्रेटरी बेथेल की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई। बेथेल के पिता ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में इस श्राप को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं। मिस्र के इटली के खतरनाक तानाशाह बेनितो मुसोलिनी को भी एक मम्मी गिफ्ट की गई, लेकिन तूतनखामेन के श्राप की खबर सुनकर वो इतना डर गए कि उन्होंने उसे तुरंत हटवा दिया। शर्लॉक होम्स जैसे उपन्यास लिखने वाले सर आर्थर कॉनन डायल को भरोसा था कि कब्रों से सो रहे राजाओं की नींद खराब होने की वजह से वो बदला ले रहे हैं। उनके मुताबिक मम्मी बनाने वाले पुजारियों ने मम्मी की सुरक्षा के लिए घुसने वालों को श्राप दिए थे। तूतनखामेन से जुड़ी हर चीज, हर तोहफा पाने वाले शख्स का घर पहले ही खाक हो गया, और उन्होंने जब उसे फिर बनाया तो बाढ़ में फिर से तबाह हो गया। कब्र खोजने वाले कार्टर ने दावा किया कि उन्होंने ठीक वैसे ही सियार को रोते देखा जैसा तूतनखामेन की मम्मी के पास बने हुए थे। क्या कब्र की दीवारों पर लिखे श्राप ही इन सब घटनाओं की वजह है? 1926 तक 6 लोग इस मम्मी की भेंट चढ़ गए थे और ये सभी कब्र से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए थे, लेकिन ये फहरिस्त
और लंबी होने वाली थी। 1995 में दो अमेरिकी तूतनखामेन की कब्र में पहुंचे। ये दोनों पति पत्नी पहली बार इजिप्ट गए थे। उन्होंने इसी शापित कब्र में भी कदम रखा, लेकिन वापस आने के बाद महिला की मौत हो गई। माना जा रहा है कि इसकी मौत के पीछे भी तूतनखामेन का श्राप है। तो क्या हजारों साल पहले बनाई गई इन कब्रों की रक्षा कोई और ताकत कर रही थी, जो बार बार वक्त आने पर अपना असर दिखाती रहती है? मिस्र के इन पिरामिडों में कई और रहस्य हैं, जिनके जवाब हजारों साल से किसी के पास नहीं है। इन पिरामिडों की सच्चाई पर भी लोग अपनी अपनी तरह से सवाल उठाते रहे हैं। क्या हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के इतनी बड़ी इमारतें इतनी सटीकता से बना पाना मुमकिन था? क्या पुराने वक्त में लोगों के पास ऐसी कोई तकनीक थी जो अब खो गई है? आखिर इतने साल बाद भी प्राकृतिक आपदाओं से महज पिरामिड ही क्यों बचे रह गए? इनमें बनी कब्रों का रहस्य क्या है? क्या वैज्ञानिक इस श्राप की सच्चाई बता सकते हैं? क्या तूतनखामेन की नींद तोड़ने की सजा लोग भुगत रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और राज हैं? इन राज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। नियर अध्यापिका विद्या सावंत को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता। तो क्या विद्या सावंत सच में पढ़ाने में सक्षम नहीं? किसी हालात से कहीं मारी हुई नहीं लग रही, पर साथ ही साथ ये फाइटर्स भी नहीं लग रही। कितनी अच्छी बात आपने कही है कि इसमें कोई भी प्रीचिनेस डाली जाए। ये क्यों बोझ एकेडमिक्स का इतना डाल देते हैं अपने बच्चों पर? मुझे थोड़ा गुस्सा है। आपके पास लाइसेंस वाइसेंस है? ओ तेरी तो पहली बार किसी ने ये प्रश्न पूछा। आप देख रहे हैं रहस्य। क्या तूतनखामेन की कब्र खुलने और इस तरह के हादसों में कोई रिश्ता था, या लोगों के दिमाग में बस एक वहम बैठ गया था, या इस रहस्य का सच कुछ और ही था? '23 में तूतनखामेन की कब्र मिलने के साथ ही ऐसी अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई, जिन्होंने मिस्र के फैरो और उनसे जुड़े श्राप की चर्चा पूरी दुनिया भर में फैला दी। '1930 में इस पर एक फिल्म भी बनी, जिसमें एक मम्मी हजारों साल की नींद खराब होने के बाद बदला लेती है। इस फिल्म की कहानी भी तूतनखामेन की कब्र मिलने के बाद की घटनाओं से मिलती थी। कुछ लोगों का दावा है कि कब्र की खोज करते वक्त कार्टर को एक तख्ती मिली थी, जिसमें लिखा था, यहाँ आने वालों का हश्र बुरा होगा। कानावर्न की मौत के बाद लोगों में कब्र की दहशत हो गई। कई मकबरों के दरवाजों पर श्राप लिखा होता था।
जैसे इस कब्र पर। जिसमें लिखा है कि किसी खास तरह का खाना खाने या बुरा बर्ताव करने वाला शख्स यहाँ कभी आया तो इस जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी उसे कीमत चुकानी होगी। लेकिन जिस कीमत की बात इस दीवारों पर लिखी गई, वो क्या सच में अनजानी ताकत है? या इसके पीछे भी विज्ञान है? एक हैरान करने वाला किस्सा अमेरिका में सामने आया। एक दंपत्ति मिस्र की एक मूर्ति लेकर एक्सपर्ट के पास गए, ये जानने के लिए कि ये कहीं अपशकुन तो नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक श्राप की बात सिर्फ एक वहम है जो घटनाओं की वजह से चर्चा में आई। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि मनगढ़ंत बातों को इसलिए बढ़ावा दिया गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी जगाई जा सके। He signed a deal with them which caused him unending grief. Stupid thing for him to do, but anyway, he did it. इससे दूसरे अखबार नाराज हो गए और उन्होंने श्राप की बात लिखनी शुरू कर दी। एक दो मौतों के बाद धीरे धीरे ये बात आम हो गई कि ये सब तूतनखामेन की वजह से ही हो रहा है। अमेरिका में जिस महिला की मौत भी इस कब्र में जाने के बाद हुई, उसकी जांच की गई तो पता चला कि एक तरह के फंगस से उसकी जान ली गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये फंगस ही लोगों की जान ले रहा हो? ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि फैरो को दफनाते वक्त अगली दुनिया के सफर के लिए उसके साथ हर जरूरी सामान भी दफनाया जाता था, जिसमें खजाना, कपड़े, तोहफे और खाना भी होता था। हजारों साल बंद रहने की वजह से मकबरों में तमाम तरह के बैक्टीरिया और फंगस भी पनप जाते हैं। और ऐसा मुमकिन है कि ऐसे ही किसी फंगस की वजह से कुछ लोगों की जान गई हो। क्या यही हजारों साल के श्राप की सच्चाई है? लेकिन थोड़ा और देखने के बाद ये बात भी पूरी तरह सच साबित नहीं होती। अगर फंगस या कोई बैक्टीरिया ही लोगों की मौत की वजह होता तो आखिर कब्र में जाने वाले कर्णवर्ण की मौत पर पूरे कायरों में बिजली क्यों गुल हो जाती? आखिर कैसे हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके घर पर उनका कुत्ता अचानक मर जाता? क्या कोबरा का कब्र की खोज करने वाले कार्टर की मैना को खा जाना महज इत्तेफाक है? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं है। मिस्र में कई मकबरे, कई पिरामिड हैं जो हजारों साल से खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमय तूतनखामेन की कब्र ही मानी जाती है। उसके बारे में जानकारी भी काफी कम है और सबसे ज्यादा मौत भी उसके मकबरे से जुड़े लोगों की हुई। तो क्या इन सब में कोई रिश्ता है या तूतनखामेन का श्राप आगे भी लोगों की जान लेता रहेगा? ये रहस्य गहरा है। तूतनखामेन की जिंदगी भी काफी रहस्यमय थी, उसके बारे में ज्यादा जानकारियां भी हासिल नहीं है। लेकिन क्या कभी कोई सटीकता से बता पाएगा कि आखिर उसकी कब्र और रहस्यमय मौतों में कोई रिश्ता है? क्या ये रहस्य कभी खुल पाएगा? लेकिन जो खुल जाए वो रहस्य कैसा?
भी खतरनाक। दुनिया के सभी डॉन का बाप देखिए रात 10:30 पर। नक्सलियों का बढ़ता आतंक, कभी खुलेआम गोलीबारी तो कभी पुलिस वाले की हत्या, जंगल राज कब तक? जवाब दो सरकार, देखिए रात 11:30 पर। सीनियर अध्यापिका विद्या सावंत को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता, तो क्या विद्या सावंत सच में पढ़ाने में सक्षम नहीं? किसी हालात से कहीं मारी हुई नहीं लग रही, पर साथ ही साथ ये फाइटर्स भी नहीं लग रही। कितनी अच्छी बात आपने कही है कि इसमें कोई भी प्रीचीनेस डाली जाए। ये क्यों बोझ एकेडमिक्स का इतना डाल देते हैं अपने बच्चों पर? मुझे थोड़ा गुस्सा है। आपके पास लाइसेंस वाइसेंस है? ओ तेरी तो पहली बार किसी ने ये प्रश्न पूछा। बरसों की नौकरी लेकिन नहीं मिला हक, क्या रिटायर होने के साथ खो जाता है हक? देखिए इस रविवार हेल्पलाइन में। पीएम ने किया पठानकोट एयरबेस का दौरा, कहा सुरक्षा बलों ने बहादुरी से किया हमले का सामना। दिल्ली और पठानकोट में निकाला कैंडल मार्च, बटाला में दिखे दो संदिग्ध आतंकी। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान कर सकता है बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को किया जा सकता है गिरफ्तार, सूत्रों के हवाले से खबर। ईयू में राम मंदिर पर दिन भर हुआ हंगामा, कांग्रेस और वामपंथी छात्र संगठनों ने सेमिनार के खिलाफ किया प्रदर्शन, स्वामी का बयान मंदिर बनाने से होगा देश का पुनरुत्थान। टीडीसी ने कीर्ति आजाद और केजरीवाल पर किया मानहानि का केस, छवि धूमिल करने का लगाया आरोप, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के सुशासन में गुंडाराज, हाजीपुर में डॉक्टर के घर दो बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, वैशाली में एएसआई का मिला शव। मालदा हिंसा पर सीएम ममता की सफाई, हिंसा को बताया बीएसएफ और स्थानीय लोगों का झगड़ा, कहा पश्चिम बंगाल में सब कुछ है शांत। राजस्थान के गंगानगर से बीएसएफ जवान समेत दो गिरफ्तार, तस्करों को सीमा पार पहुंचाने में मदद का आरोप, पुलिस कर रही है पूछताछ। और सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने जीता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब, सानिया हिंगिस की लगातार 26वीं जीत, जर्मनी की जोड़ी को 7-5, 6-1 से दी मात। नमस्कार, खास पेशकश में स्वागत आपका, मैं रविंद्र। पंजाब के पठानकोट में एक हफ्ते पहले आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ चल रही थी, एयरबेस को तबाह करने के लिए आए आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन कुछ जवान भी हमारे शहीद हो गए। पठानकोट हमले के एक हफ्ते बाद पीएम मोदी ने यहां का दौरा किया, वो उस जगह पर भी गए जहां आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, यही नहीं उन जवानों से भी मिले जिनकी बहादुरी से आज एयरबेस सुरक्षित है, शहीदों के परिवार से भी मिले, यही नहीं पीएम ने घुसपैठ वाली जगह भी देखी जहां से आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे।